अभी 2 दिन से लाहौर में, मैं कल शाम में पहुंचा था। मुसलसल जो मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं उनमें हमारे साथ आज और कल शोबिज के लोगों ने मुलाकातें की हैं। डर डर के बोल रहा हूँ कि कहीं मेरे ऊपर कुछ मुश्किल आ जाए, तो वो चाहते हैं कि किसी से अपना दर्द दिल करें, अपना मसला पूछें, अपने उलझनों का कोई हल निकालें कि कहाँ जाएं, वो किससे पूछें, किससे जाके बोलें जी। तो बहरहाल मैंने तो कोशिश की कि खुदा ना खास्ता कोई तस्वीर नहीं खिंच जाए, तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा कि जी फलाना फला गुरुकार से मिल रहे थे और फला अदाकार से मिल रहे थे। सोना का जी हमारे नजदीक मौलाना तारिक जमील का बड़ा मकान, मगर हम तो चाहते हैं जी फला से मिले। दरबार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। क्या मैं दरवाजे बंद कर दूं? हमारी तरफ से दरवाजे बंद होने चाहिए कि नहीं? इनसे बात ही नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नशस्तों के अंदर जो एक मुश्तरका बात मैंने इन सब से की, मैंने कहा तुम किसी भी शो में किसी भी जगह हो नमाज न छोड़ो, तुम बहुत सारी चीजों से बचे रहोगे। और उनमें से एक ने इस बात का इजहार किया कि जिस दिन मैंने नमाज पढ़ी उस दिन मैं बहुत सी उलझनों से बचा बचा बची। सलवात पढ़े जरा नबी के नाम। निगरामी हर शख्स की एक सलाहियत है, हर शख्स के अंदर अल्लाह ने। मैं पिछले दिनों आयतुल्लाह अलुज़मा रहबर इंकलाब आयतुल्लाह खामनाई वो अदाकारों और गुरुकारों से गुफ्तगु कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, सबको जमा किया हुआ था। वो मैंने उनकी गुफ्तगु सुनी, उन्होंने बहुत सारी काम की बातें की और उसमें काम की एक बात यह की कि ये सलाहियत कि आप जिसे चाहे रुला दें और जिसे चाहे हंसा दें, ये सलाहियत, ये जो गला आपका जिसकी वजह से आप दिलों में उतर जाते हैं, दिमागों पर हावी हो जाते हैं, ये अल्लाह ने दिया है या आपने खुद बनाया है? एक जुमला आयतुल्लाह खामनाई का उसके था, उन्होंने कहा ये सलाहियत अल्लाह ने आपको दिया है, तो जिसने आपको सलाहियत दी है उसे हमेशा याद रखना। इनसे ये बात कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। तो सलवात पढ़े और नबी की बात करूंगा।